दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। 3 की मौत के बाद एमसीडी जागी है। अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने पहुंची है एमसीडी की टीम। ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर पहुंचा हुआ है और अब ओल्ड राजेंद्र नगर में एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि कल कोचिंग सेंटर में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पानी भरने की वजह से ये मौत हुई थी, जिसके बाद अब प्रशासन जाग चुका है और यहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हो चुका है और कोचिंग सेंटर में कई लापरवाही की बातें भी सामने आई थी, जिसके बाद अब प्रशासन एक्शन की तैयारी में है। तो ये एक्सक्लूसिव 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हुई थी। अब प्रशासन ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। एक्शन से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोचिंग के आसपास का जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंची है और दिल्ली नगर निगम की टीम भी कोचिंग के पास पहुंची। और एक्शन से पहले एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर पुलिस ने इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान और अधिकारियों से सवाल जवाब भी लगातार इस हादसे को लेकर पूछे जा रहे थे कि दुर्घटना को लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको उस कार्रवाई के दौरान के दिखा रहे हैं। और शनिवार को बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और अब जो अतिक्रमण है कोचिंग के आसपास का, उसको 5 बुलडोजर की टीम हटाएगी।